हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दमदार शहर के बारे में जिसमें अभी कुछ दिनों से गिरावट चल रही है और गिरावट में एक बढ़िया मौका है आपके पास खरीदारी करने का। तो वो शहर कौन सा है और किस प्राइस पर और किस तरीके से खरीदारी आप इसमें कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस शेयर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल, निफ्टी 100 का ये स्टॉक है और काफी बढ़िया कंपनी है ये। आप देखिए 2,195 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। एक बड़े लेवल से टूटता हुआ शेयर जरूर आया। देखिए अगर हम पिछले 1 महीने की हम बात करें तो आप देखिए 2,150 रुपए तक का लो है। यहाँ पर एक रैली आई, शेयर 2,450 रुपए तक गया, फिर गिरा 2,350 पर आया, फिर और बहुत बड़ी रैली तकरीबन 2,500 रुपए तक पहुंचा। उसके बाद गिरावट आई, हल्की सी तेजी गिरावट, फिर तेजी और फिर एक बहुत बड़ी गिरावट अभी चल रही है। 2,195 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 साल की हम बात करें तो 1 साल में 25% का ग्रोथ है। 1,670 रुपए तक का लो यहाँ पर बना है और चार्ट आप देखिए बढ़िया है। यहाँ पर तेजी आई है, फिर गिरावट आएगी, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी आ रही है, फिर गिरावट आ रही है, फिर एक बहुत बड़ी रैली आती है, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट भी आती है। और कोरोना के चलते शेयर में देखिए तकरीबन 1,800 रुपए तक शेयर टूट भी गया था, लेकिन आप देखिए बाद में जो बाउंस बैक किया, कोरोना के दौर में ही 2,500 रुपए तक का हाई इसने बनाया, लेकिन अब धीरे धीरे शेयर में डाउन ट्रेंड भी चल रहा है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो 3 साल में हिंदुस्तान यूनिलीवर में 135% का ग्रोथ है, 928 रुपए तक का लो है और अब देखिए कंटिन्यूअस शेयर ऊपर बढ़ रहा है। अगर गिरावट आती भी है तो उससे कई ज्यादा बड़ी यहाँ पर तेजी भी हमें देखने को मिल जाती है। अब देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 4,85,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एनएसई में देखेंगे तो 84 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे शेयर होल्डिंग की तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर जो है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर पीएलसी, जिनके पास 47.43% की होल्डिंग देखने को मिल रही है और प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। देखिए 354 FI, सॉरी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर पैसा लगाया है 2.58% की होल्डिंग के म्यूचुअल फंड की। FIs की होल्डिंग अगर हम बात करें तो 12% से भी ज्यादा की है और 1,265 FIs ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी 3.28% की होल्डिंग है और अगर हम बात करने जाए हाइएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर है जिनके पास 1.35% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.02% की देखने को मिल रही है। देखिए 1100% का डिविडेंड इन लोगों ने पे किया है, काफी बड़ा डिविडेंड पे किया, तकरीबन 11 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे कर चुका है ये कंपनी। यहाँ पर देखिए एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ा हुआ ये शेयर है और आप सबको पता है कि भले लॉकडाउन चल रहा है, इवन लॉकडाउन खुलेगा भी तो एफएमसीजी सेक्टर होगा जो सबसे ज्यादा धूम मचाएगा। रीजन उसका ये है कि लोग पैसा कहाँ खर्च करेंगे, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की वेबसाइट्स है, इनकी प्रोडक्ट आप देखिए लोग कहाँ पे पैसा खर्च करेंगे। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप क्या खरीदोगे उससे? आप अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदेंगे, ना कि आप गाड़ी खरीदने जाएंगे कि ना कि आप कुछ और चीजें खरीदेंगे। आप उन्हीं चीजों पर पैसा खर्च करेंगे जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं और हिंदुस्तान यूनिलीवर उन्हीं चीजों को बनाता है। जैसे कि सोप की अगर हम बात कर ले तो डव यहाँ पर हो गया, हॉर्लिक्स, देखिए हॉर्लिक्स इन्होंने एक्वायर किया, हॉर्लिक्स की काफी ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी, नॉर की भी काफी ज्यादा प्रोडक्ट है, लाइफ बॉय है, ग्रीन टी है, लक्स है, पेप्सोडेंट है, भैया ब्रश करना कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है नहाना कोई नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बनाते हैं ये लोग, पॉन्ड्स है, सनसिल्क है, श्योर है, ट्रेसेमी, भैया शैम्पू आपको आप करेंगे ही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसलीन है, व्हील, कपड़े तो हर कोई धोने वाला है भैया और सबको धोने ही पड़ेंगे। और आप देखिए क्लोजअप भी इन्हीं की ब्रांड है, डोमिक्स, भैया आपको घर की साफ सफाई तो करनी ही करनी है, फेयर एंड लवली, लैक्मे, सर्फ एक्सेल अगेन, रिन, पियर्स, तो बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट है और इतनी बड़ी फेमस प्रोडक्ट है कि ज्यादातर लोग इनको यूज करते हैं। चाहे हम विम की बात करें, अभी चाय पीना तो नहीं छोड़ेंगे भाई, ठीक है। ब्रूक बॉन्ड की अगर हम रेड लेबल की बात करें, ताजा वक्त की बात करें, ताज महल की बात करें, अभी 3 रोजेस की बात करें, क्लिनिक प्लस, यहाँ पर हम देखें किसान की अगर हम बात करें भाई, कैचअप यहाँ पर लोग खाते ही खाते हैं और भी है, रिलीट का है, रेक्सोना है, तो
तो बहुत सारे इनकी प्रोडक्ट है, इंदुलेखा ये भी इन्हीं की प्रोडक्ट है पिछले, और अगर हम और आगे देखें तो भैया सनलाइट करके भी है, ये भी इन्हीं की प्रोडक्ट। तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट है और हर एक प्रोडक्ट में कितनी सारी वैरायटीज यहाँ पर ये कंपनी बनाती है। तो देखिए जो प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है उसको आप कहीं ना कहीं कंज्यूम कर ही रहे होंगे, अभी भी आपके घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर की मिल जाएगी अभी के दौर में। ये सारी प्रोडक्ट आप देखें, आपके घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर की भैया मिल ही जाएगी कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके घर में। तो काफी बड़ा इनका नेटवर्क है, काफी बड़ा इनका बिजनेस है, और लॉकडाउन रहे या लॉकडाउन हटे इनका जो बिजनेस है वो तो बढ़ने ही वाला है। तो अगर लॉकडाउन हटेगा तो याद रखिए लोग मॉल में जाकर सबसे पहले इवन आपकी आसपास की दुकान में जाकर लोग इन्हीं चीजों की खरीदारी करेंगे। यहाँ पर देखिए तो टेक्निकल रेटिंग इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, PE 76.32 है, इंडस्ट्री PE जबकि 65.44 है, बुक वैल्यू 32.57 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 67.41 है, EPS 28.76 है, डिलीवरीज 26 के करीब देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। और तो और अगर हम यहाँ पर देखें तो इनकी बैलेंस शीट देखें भैया, कर्जा 1 रुपए का नहीं है इनके ऊपर। सबसे बेहतर चीज है कि भैया कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, कर्जा नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। मार्च क्वार्टर के नतीजे आए और डेफिनेटली गिरावट जरूर देखने को मिली है, और थोड़ी सी एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था क्योंकि भैया कोरोना के चलते थोड़ा सा बिजनेस इनका अफेक्ट हुआ था नेट प्रॉफिट में, लेकिन उसके बावजूद 1520 करोड़ का नेट प्रॉफिट है जो पिछले क्वार्टर में 1616 करोड़ था। ठीक है, तो गिरावट यहाँ पर जरूर है, जबकि सितंबर में 1850 करोड़ था, उससे पहले 1755 करोड़ था, उससे पहले 1540 करोड़ था। तो जरूर नेट प्रॉफिट इनका गिरा है और शायद हो सकता है कि जून में थोड़ी और भी गिरावट देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि शेयर में इतना दमखम है कि ऐसी सिचुएशन में भी अच्छा खासा प्रॉफिट अगर आपको किसी कंपनी में देखने को मिलेगा तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी में आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि भैया बाकी जैसे कि अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो भैया अप्रैल महीने में एक भी गाड़ी नहीं बिकी है, चाहे हम मारुति सुजुकी की बात करें, महिंद्रा की बात करें, एक भी गाड़ियां नहीं बिकी है। ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर की या फिर बाकी ITC की, उन सब की अगर हम बात करें तो भैया उनकी प्रोडक्ट जो है ना वो लॉकडाउन में भी बिक रही है और बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि भैया लोग करेंगे क्या, लोगों को जरूरत है भाई इन सब चीजों की, तो बेचनी ही पड़ेगी वो सारी चीजें। यहाँ पर हम देखें तो आप देखिए शेयर होल्डिंग की अगर मैं आपको बात करूँ तो अप्रैल का लेटेस्ट डेटा आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग देखिए प्रमोटर की होल्डिंग मैं मानता हूँ गिरी है, जो पहले 67.18% हुआ अब वो 61.90% है। FIIs की होल्डिंग कॉन्स्टेंट है, तकरीबन 12.04% की है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग गिराई है, 3.28% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, जबकि म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 2.58% की होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपने एक्चुअल में खरीदारी की है तो बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और जरूर शेयर रिकवर कर जाएगा और इवन बढ़िया मौका है ये शेयर और ज्यादा रिकवर करेगा। ठीक है, अगर गिरावट शॉर्ट टर्म में आती भी है, ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म में गिरावट आती भी है तो मुझे लगता है कि खरीदारी करने का एक बढ़िया ऑप्शन आपके पास हो सकता है यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में। और अगर आप खरीदारी करें भी तो अगेन मैं कह रहा हूँ एक साथ सारे के सारे शेयर मत खरीदिए। मान लीजिए कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको 50 शेयर खरीदने हैं तो आप इस तरीके से प्लान करें कि भैया पहले 10 शेयर आप 2150 रुपए के आसपास खरीदें, बाद में वेट करें। अगर शेयर वापस से गिरता है 50 या फिर 100 रुपए गिरता है तो और 10 शेयर की आप बाइंग कर लीजिए, वापस से वेट करें। अगर और 10 और 100 रुपए के आसपास शेयर गिरता है तो वापस से आप 10 शेयर की बाइंग कर लीजिए, तो वो एक अच्छी स्ट्रेटजी यहाँ पर हो सकती है, ना कि आप 2100 या 2200 रुपए के प्राइस पर 50 पूरे के पूरे 50 शेयर खरीद ले। तो मैं यही कहूंगा कि पोजिशन बनाने के लिए SIP मोड में ही निवेश करें तो आपके लिए काफी बेहतर होगा, क्योंकि भैया अगर गिरावट आती भी है तो आपको एवरेज करने का आपके पास मौका होना चाहिए यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलिए, जरूर हिंदुस्तान यूनिलीवर बढ़िया रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है और इनकी जो प्रोडक्ट है वो इतनी फेमस है कि भैया हर कोई इनका यूज इस्तेमाल करता है। तो बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें,
और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।